दोस्तों म्यूजिक हम सब सुनते हैं, लेकिन जो सही में म्यूजिक लवर्स हैं, आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने कम प्राइस के बहुत सारे होम थिएटर सिस्टम यूज़ किए होंगे, लेकिन क्या होता है कि जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं उनमें हम ज़्यादा देर तक म्यूजिक नहीं सुन सकते। जब आप लॉन्ग टर्म तक म्यूजिक सुनते हैं ऐसे सिस्टम्स में, तो थोड़ी देर बाद हमारा मन करता है कि बस बंद करो। कम प्राइस पे बहुत ही कम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा होम थिएटर सिस्टम जिसमें आप पूरा पूरा दिन भी म्यूजिक सुन सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में इस वीडियो में एक सरप्राइज भी आपके लिए। क्या सरप्राइज है और कैसे आपको मिलेगा सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, बने रहिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी ड्यूल टावर स्पीकर्स की, उनका गिवअवे रिजल्ट ये रहा आपके सामने। ये विनर हैं, इनको मिलता है ये मिनी टावर। ये रिजल्ट निकालने की वीडियो क्लिप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विनर से कि वो मुझे कमेंट करें ड्यूल टावर वाली वीडियो पे, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और मुझे मेल से कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं आपके पास आपका स्पीकर पहुँचा सकूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ होम थिएटर सिस्टम। यह है दोस्तों ओवेज का ब्लूटूथ 4.1 होम थिएटर सिस्टम। इसका मॉडल नंबर है HT101। क्या इस सिस्टम की खास बात है और क्या इसमें कमी है सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और साथ में सरप्राइज तो है ही आपके लिए। कुछ जरूरी पॉइंट्स की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। हमारा पहला पॉइंट आता है बिल्ड क्वालिटी। देखो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में इनकी कोई भी कमी नहीं है। यहाँ आपको ये वुडन के स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ कोई भी चीप प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया। चाहे ये चारों आपके स्पीकर्स हो या हो आपकी ये मेन यूनिट, सब कुछ यहाँ वुडन का है, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है। इन स्पीकर्स को रीडिज़ाइन किया गया है। पहले क्या था कि जो ये चार स्पीकर्स आपको मिलते हैं, यहाँ इनमें ऊपर की साइड एक डेकोरेशन लगाई जाती थी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। पहले ये स्पीकर आपको मिलते थे, अब इनमें दिक्कत ये थी कि जो ये ऊपर डेकोरेशन लगाई गई है इनको लोग ट्विटर समझ लेते थे, जबकि ये ट्विटर नहीं है, ये सिर्फ एक डेकोरेशन थी। तो बिल्ड क्वालिटी इनकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वुडन के स्पीकर्स हैं और जो सामने ग्रिल है वो है मेटल की। हमारा अगला पॉइंट है इसकी बेस। इसकी बेस में भी एक खास बात है। इसमें क्या होता है कि जो बेस है इसकी वो डीप और हैवी है, लेकिन ज़बरदस्ती का बेस बूस्ट नहीं किया गया। जितनी सॉन्ग में बेस है उतनी ही प्रोड्यूस होती है, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। इसमें चार टाइप की मैं सॉन्ग प्ले करूँगा जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा इसकी बेस, वोकल्स और ट्रेबल का। सबसे पहले सॉन्ग में आप ध्यान देना इसकी बेस के ऊपर। अब इस वाले सॉन्ग में आपको ध्यान देना है वोकल्स पे। इस सॉन्ग में आपको ध्यान देना है ट्रैवल के ऊपर। एक और मैं आपको सॉन्ग सुना रहा हूँ। ये सॉन्ग आपको ओवरऑल देखना है कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो वोकल्स ट्रेबल और बेस का कॉम्बिनेशन है उसका आपको इससे आइडिया हो जाएगा। रज के रुलाया, रज के हसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया, वो जो आँखों से एक पल ना जल हुए, लापता हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या हो गए देखते। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसी आपको साउंड क्वालिटी मिलती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। हमारा अगला पॉइंट ये है कि जो इसकी बेस है वो वोकल्स में घुसकर डिस्टर्ब नहीं करती। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर बेस वोकल्स में घुसकर डिस्टर्ब करती है तो साउंड क्वालिटी पर उसका कितना असर होता है ये आप समझ सकते होंगे। तो इनमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताऊँ, उससे पहले हम बात कर लेते हैं सरप्राइज के बारे में। दोस्तों आप जीत सकते हैं ये टावर स्पीकर।
अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है सब्सक्राइब करना, सेकंड स्टेप वीडियो को लाइक और शेयर करना, थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम कोई न्यूज़ स्पीकर लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका आपको आंसर देना है हैशटैग गिज्मोगैन लगाकर। अब यहाँ आपके लिए दो सरप्राइज हैं। एक तो मैं रैंडमली पिक करूंगा विनर, जिनको मिलेगा ये MT600 मिनी टावर। दूसरा सरप्राइज अगर आपको चाहिए तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ध्यान से देना होगा। जिसका आंसर सबसे ज़्यादा डिटेल में होगा उनको हम फीचर करेंगे अपनी नेक्स्ट स्पीकर वाली वीडियो में और देंगे उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट। बाकी ये वीडियो आप ध्यान से देखो, हो सकता है इसी वीडियो में आपको कोई आइडिया मिल जाए। इसी बात पे अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज तो आप 20,000 लाइक कर ही दो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से लाइक कर दो। कर दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ट्रेबल। दोस्तों बेस और वोकल्स के साथ साथ ट्रेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ट्रेबल ठीक से नहीं होगी तो म्यूजिक आपको कानों में चुभेगा। अब इनमें खास बात यह है कि ट्रेबल इसमें क्रिस्प है लेकिन वो कानों में चुभती नहीं है। लंबे टाइम तक सुनने के लिए इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन है बेस वोकल्स और ट्रेबल का। वॉल्यूम इसमें जबरदस्ती का बूस्ट नहीं किया गया जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक इन्हें सुन सकते हैं बिना थकान के। अब जो हमारा अगला पॉइंट है उसका भी आपको ध्यान रखना है। जब आप ये स्पीकर लो तो कम से कम 8 आवर्स तक म्यूजिक प्ले करने के बाद ही आप जज करो कि ये कैसे हैं, क्योंकि जो हाई क्वालिटी स्पीकर या वूफर्स होते हैं कुछ टाइम उन्हें चलाने के बाद उनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है। इसको कहते हैं बर्न इन पीरियड। तो स्पीकर लेते ही आप जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है, पहले 8 आवर्स तक म्यूजिक प्ले करो उसके बाद आप जज करो। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसकी प्लेसमेंट। आप कोई भी स्पीकर लो, अगर आप उसकी प्लेसमेंट पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आपने स्पीकर्स गलत जगह पर रख दिए तो शायद आपको उतना मज़ा ना आए। बेस्ट प्लेसमेंट के लिए आपको अपने रूम के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इनको अलग अलग जगह पर रख कर कहाँ आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर मैं इनमें कमी की बात करूँ तो इनमें आपको एक ही कमी लग सकती है, और जो ये कमी है ये सबके लिए नहीं है। ये स्पीकर्स आपको उतने लाउड नहीं लगेंगे। ओबेज ने इनकी लाउडनेस पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पूरा फोकस किया गया है क्लैरिटी और बैलेंस पर। मतलब आप ये समझ लो अगर आप अपने साथ अपने नेबर्स को भी म्यूजिक सुनाना चाहते हैं तो ये मॉडल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप खुद बहुत ज़्यादा देर तक म्यूजिक सुनते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपके रूम का साइज है 12x12 या 12x15 तो इनसे आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं इनकी प्राइस के बारे में। इनका प्राइस है 3999। कनेक्टिविटी में इनकी कोई कमी नहीं है, ब्लूटूथ ऑक्स FM रेडियो सब ऑप्शंस आपको इनमें मिलते हैं, या माइक का पोर्ट भी आपको मिलता है, साथ में बेस ट्रेबल वॉल्यूम ये तीनों बटन्स भी आपको यहाँ दिए गए हैं। और दोस्तों ये मास्टर वॉल्यूम का बटन है, अगर आप इसको फुल कर भी दोगे उसके बाद भी आपको फुल करनी होगी डिजिटल वॉल्यूम, जो आप रिमोट से भी कर सकते हो, या स्पीकर के आगे आपको बटन मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। USB स्लॉट और साथ में आपको SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है, पेन ड्राइव भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं ओबेस 301 और 101 में, दोनों के प्राइस में 300 रुपीज़ का फ़र्क है। ओबेस 301 आते हैं 3699 में और इनका प्राइस है 3999। अब यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि ऐसा नहीं है कि जो महंगा है वो बेस्ट है, कुछ बातें उसकी अच्छी हैं और कुछ बातें इसकी अच्छी हैं। देखो अगर आप TV से कनेक्ट करना चाहते हो अपने स्पीकर्स तो आपके लिए बेस्ट है ओबेस 301, क्योंकि उनमें वोकल्स ज़्यादा हैं इसके कंपैरिजन में। हालांकि कनेक्ट आप इन्हें भी कर सकते हो लेकिन उनमें आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा TV से कनेक्ट करने का। और अगर आपको लाउडनेस ज़्यादा चाहिए, धूम धड़क का आपको करना है, तो भी आपके लिए बेस्ट है 301, लेकिन ज़्यादा देर तक म्यूजिक सुनने वालों के लिए परफेक्ट है 101। मतलब आप ये समझ लो जो 301 है वो है मसालेदार और जो ये है 101 ये है मीठा। अब डिपेंड करते हैं कि आपको मसालेदार पसंद है या मीठा पसंद है, ऊपर पोल में बताना मुझे आपको क्या पसंद है, और दोनों के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हैं। तो ये था रिव्यू ओबेज 101 का। ओबेज 301 और ड्यूल टावर्स का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, उनका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।